जिंदगी में रोज की जदोजहद ऐसी होती है कि अपने आसपास की दुनिया की हमें खबर भी नहीं होती। हमें पता नहीं होता कि पास का एक गरीब दो वक्त की रोटी का मोहताज है, एक बीमार बुजुर्ग को दवा नहीं मिल पा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कोशिशों से अपने आसपास की दुनिया बदल डालते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं कोलकाता के डी आशीष, जो गरीब लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। जिंदगी सबसे बड़ी नेमत है और अगर जिंदगी बचाने के किसी अभियान से जुड़ा जाए तो इससे बेहतर समाज सेवा कुछ और नहीं हो सकती। जिंदगी बचाने की ही कुछ ऐसी ही मुहिम से जुड़े हैं कोलकाता के डी आशीष। एक आम इंसान जिसने एक अलग ही सपना देखा, सपना कि वो अपनी कोशिशों से उखड़ती सांसों को थाम सके, बंद पड़ती धड़कनों को संभाल सके, अपनी रौ में बहती खुशगवार जिंदगी के बीच दूसरों के बेजार जिंदगी के लिए कुछ करने का जज्बा उन्हें सबसे अलग कर गया। डी आशीष की सोच अलग थी, लेकिन उस सोच उस सपने को पूरा करना आसान नहीं था। दूसरों की जिंदगी बचाने की मुहिम के लिए उन्हें अपनी जिंदगी लगानी पड़ी। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई कर जब आशीष अपने घर आए तो उनके सामने परिवार का व्यवसाय संभालने की जिम्मेदारी थी। परिवार को समझाना आसान नहीं था, लेकिन आशीष की जिद थी कि अपने आसपास की दुनिया बदलना है और आखिरकार उनकी जिद के आगे परिवार को झुकना ही पड़ा। आशीष ने गरीब लोगों की मदद के लिए मेडिकल बैंक की शुरुआत की और यहीं से शुरू हुई धड़कने थामने की पहल। जब कॉलेज लाइफ में थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हम थे, तो उस टाइम में देखे हैं जो हमारे दुनिया के गरीब आदमी जो पुअर है, जो ड्यूलर्स लोग हैं, ये लोग को कोई सेवा मिलता नहीं। तो मैं स्वामी विवेकानंदों के आदर्श में हम देखे हैं जो इस जो मनीषी ने इतने काम किया है तमाम हिंदुस्तानी वर्ल्ड में, तो हम लोग थोड़ा से काम करने से आदमी लोग का सुविधा होगा, ये मतवाद में ये एक्टिविटी के लिए हम लोग सोशल वर्क में आए हैं और उसको मतवलंब से हम लोग गरीब आदमी पिछड़े बड़े आदमी को सहायता करते हैं। आशीष के मेडिकल बैंक में मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें कई मरीज ऐसे थे जिन्हें दिल की गंभीर बीमारी थी। ज्यादातर लोगों को पेसमेकर की जरूरत थी, लेकिन दाम ज्यादा होने की वजह से वो खरीद नहीं पा रहे थे। काफी सोच विचार के बाद डी आशीष ने बीच का रास्ता निकाला। वो रास्ता था पेसमेकर दान में लेने का, लेकिन आर्थिक दिक्कतों की वजह से उनकी इस पहल को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। फिर आशीष को ख्याल आया कि जिन लोगों को पेसमेकर लगाया जाता है, आमतौर पर उनके निधन के बाद पेसमेकर को फेंक दिया जाता है। अगर उस पेसमेकर को दान में लेकर जरूरतमंदों और गरीबों को लगाया जाए तो इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और फिर आशीष इस नए मिशन में जुड़ गए। इन्होंने पेसमेकर दान में लेकर गरीब जरूरतमंदों को लगाना शुरू किया और आज सिर्फ उनकी बदौलत कई दिन धड़क रहे हैं। 15 साल से हमको 34 साल ये संगठन है, लेकिन 15 साल हम लोग आदमी को पास पेसमेकर के लिए, पेसमेकर बैंक के लिए ये मैसेज हम दे रहा है। तो इसीलिए जो मर जाते हैं, जिसको पेसमेकर साथ में रहता, वो इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं तो हमारे मेडिकल टीम जाते हैं उसको घर में, जाकर वो पेसमेकर हम लोग ओपन कर देते हैं। फिर पेसमेकर लेकर हम लोग ये स्टेरिलाइज करके जो गरीब मरीज खरीद करने नहीं सकता है उसी को हम देता है। ये 15 साल में हम लोग प्राय 600 का मापिक पेसमेकर हम लोग कलेक्शन किया है और उस पेसमेकर अच्छी है कि देखने की बात अभी 150 से 200 आदमी को हम लोग पेसमेकर दिए हैं। जो अपने हार्ट ब्लॉक था, पेसमेकर खरीदने के लिए कोई उसको सुविधा नहीं था, उसी लोग को हम दिए हैं। पहले पहले इस मुहिम से लोगों को जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया और आज लोग अपने परिजनों का यूज किया हुआ पेसमेकर खुद लेकर आते हैं और इनके बैंक में जमा करवाते हैं ताकि बंद हुई कुछ और धड़कनों को संभाला जा सके। मेरा एक कजिन का शरीर में था, तो उनके गुजर जाने के बाद मैंने वो तो निकल ली, तो इसके बाद मैं सोचा जी ये तो बहुत कीमती चीज है, ये और किसी के काज में लगने से ये अच्छा ही है। तब हम नेट सर्च किया जो कहाँ पर देने से ये ठीक सही जाएगा पे जाएगी, तो हम नेट सर्च के मेडिकल बैंक में नोट किए। आज ऐसे कई लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पेसमेकर लगवा सकें। उनकी धड़कनें धोखा देने वाली थी,
लेकिन आशीष की मुहिम से जुड़कर पेसमेकर दान करने वाले लोग सामने आए और उनकी जिंदगी सांस भरने लगी। पंकज लाहा उन्हीं में से एक हैं जिन्हें दान किया हुआ पेसमेकर लगा है। ऐसे लोगों की जिंदगी बचाने वाले आशीष इलाके के लोगों के लिए एक भरोसे का नाम है। आशीष की वजह से आज कई जिंदगियां रोशन हैं। आशीष का मेडिकल बैंक इस नेक काम के साथ गरीबों को मुफ्त में दवाइयां और दूसरी मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया करवा रहा है। जिंदगी बचाने की इस मुहिम में लोग जुड़ते जा रहे हैं। आशीष ने एक सपना देखा था और आज उस सपने ने उनकी जिंदगी को नए मायने दे दिए हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीने का मजा ही कुछ और है। मेडिकल बैंक के डी आशीष का जिंदगी का फंडा भी कुछ यूं ही है और यही वजह है कि आज इनकी पहल पर न जाने कितनी सांसें चल रही हैं और कितने दिलों में धड़कने धड़क रही हैं।